नाथूसरी चौकटा में भादरा रोड पर भाजपा कार्यालय का रविवार को शुभारंभ किया गया। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने पूजा व रिविल काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का गर्मजोशी से फूलों की बरसात कर समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल की टीम ने स्वागत किया। तंवर सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक जिंदा दिल इंसान। मीनू बेनीवाल प्रमुख समाज सेवी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए समाज सेवी मीनू बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी में बिना खर्ची बिना पर्ची के युवा नौकरी लग रहे हैं। भाजपा शासन में युवाओं को रोजगार मिला है। पहले की सरकारों में युवा बेरोजगार घूमते थे। बेनीवाल ने जोश के साथ लोगों में उत्साह का संचार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे सिरसा की धरती से डॉक्टर अशोक तंवर को जिताकर भेजने का संकल्प लिया है, जिसे हर हाल में हम पूरा करेंगे। समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर अशोक तंवर किसान और सैनिक परिवार से हैं, ताल्लुक रखने वाले एक जिंदा दिल इंसान है, जिन्होंने सिरसा को अपनी कर्मभूमि बनाकर काम किया है। सिरसा लोकसभा से जब वे चुनाव जीते थे तो कांग्रेस में थे, लेकिन इस शख्स ने हलके की लड़ाई लड़कर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट सिरसा के लिए ला कर दिए। आज शासन आपके साथ है, आप शासन के साथ हैं। करने की जरूरत नहीं, पूरी ताकत और समर्थन अशोक तंवर के साथ लगा दो, आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आत्मनिर्भर बनते हुए देश ने विकास की आंधी देखी। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश स्वर्णिम युग में पहुंचा है। चंद्रयान से लेकर राफेल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हुए देश ने विकास की आंधी देखी है, जिसके चलते पूरा भारत मोदी का मुरीद बन गया है और यही वजह है कि एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि नाथूसरी चौपटा सिरसा लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस इलाके रणबांकुरों ने देश की आजादी और अखंडता को अक्षुण रखने में अपना भरपूर योगदान दिया है। 45 की धरती त्याग और बलिदान की धरती है। आज एक बार फिर वक्त आपकी चौखट पर दस्तक देने के लिए आया है। आप सभी साथी मिलजुल कर कमल के फूल का बटन याद रखना और अपने वोट की ताकत से समर्थन देना, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। सिरसा से प्रत्याशी डॉक्टर तंवर ने कहा कि देश विरोधी ताकतों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे साहस से मुकाबला किया है। उन्होंने देश की आंतरिक और बाहरी ताकत को मजबूत किया है। आज पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। हमने इस डंके की गूंज को और तेज करना है। साथ ही देश के गरीब दलित वंचित पिछड़ों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका तय करनी है। तंवर ने कहा, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, सैनिक पिता की संतान हूँ और किसानी मेरी आत्मा में है। मैंने देश के 140 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ी है और संघर्ष किया है। आगे भी आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। आज चुनाव देश का है, देश के नेतृत्व का है। आप सब लोग सब राग द्वेष छोड़कर मोदी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि देश मजबूती की डगर पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष नितिशा सिहाग, वरिष्ठ बीजेपी नेता अमीर चंद मेहता, जिला पार्षद नंदलाल बेनीवाल, पंचायत समिति के चेयरमैन सूरजभान बुमरा, उप चेयरमैन मांगेराम पुनिया, नीकूराम फौजी, बलराम कासनिया, सुभाष बेनीवाल, राममूर्ति कासनिया, नरेंद्र कासनिया, प्रदीप बेनीवाल, सतवीर बेनीवाल, योगेश शर्मा, नंदलाल बेनीवाल, रणजीत बाना, संदीप सरपंच, महामंत्री हनुमंत भाटी, दिलीप कुमार, पवन माली, अनिल पुनिया, ऋषाल सिंह, हनुमान कुडू व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा। उड़ीसा के अंदर कितना जोश है, ऐसा जोश कभी कभी चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसा जोश तब दिखता है जब विश्वास किसी के ऊपर अटूट हो। ऐसा जोश तब दिखाई देता है जिनका और जुनून, जब लोग देश के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज फैलनाबाद चौकटा से लेकर के और सिरसा संसदीय क्षेत्र, पूरे हरियाणा और देश ने फैसला कर लिया है कि हमें 400 पार के साथ मोदी जी को लेकर के आना है। हमें किसान मजदूर गरीब आदमी को और ताकत देनी है। हमारे देश को हम सब ने मिलकर के 140 करोड़ लोगों ने इस देश को अगले 25 वर्ष में विकसित भी बनाना है और 5 वर्ष में इसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना है। तो ये जो संकल्प लेकर के लोग चले हैं, मैं समझता हूँ कि उसका निश्चित तौर पर नतीजा होगा। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। और बाकी भी मैं समझता हूँ कि
मोदी जी के साथ है, कमल खिलाएंगे। 10 साल में जो मजबूत बुनियाद रखी है उस पर एक भव्य इमारत, जैसे भव्य दिव्य मंदिर बना वैसे ही भव्य दिव्य इमारत 140 करोड़ लोगों के सपनों की तैयार करके हर व्यक्ति को उसका हक मिले, ये संकल्प लेकर जा रहे हैं। मोदी की गारंटी का प्रचार किया जा रहा है, किसान यहाँ पर एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बात नेतृत्व ने कभी भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखी है, उसको मैं समझता हूँ कि अक्षर से पालन करने का काम वो सरकार की कोशिश है, और धीरे धीरे देश उस पर बढ़ रहा है कि किसानों को कैसे और राहत दी जाए, कैसे उनकी माली हालत और सुधार उसमें हो। आज भी बहुत सी फसलें हैं जिसका एमएसपी दिया हुआ है, कुछ और फसलें हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी तो किसानों का आज़ादी के बाद भला ही मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोग 1600 करोड़ रुपये माफ़ करके कहते थे कि हमने जो है किसानों का बस सब कुछ कर दिया जी, यहाँ एक लोकसभा के अंदर 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपये पिछले 6-7 सालों में दिया है, फसल बीमा योजना मुआवजा राशि के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है, और इसलिए पूरा जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेगी, सिरसा एक नया इतिहास बनाने का काम। जीत के प्रति कितने का आश्वस्त हुआ? जीत के प्रति आप देख सकते हैं जितना जोश और जो यहाँ पर माहौल देखा, भाई मीनू जी और पूरी तमाम जो टीम है, संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो जिस तरीके से लगा है, जमीन पर तो और कोई काम कर ही नहीं रहा है 45 दिनों से, हम सब लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं, हमारे लाभार्थियों से संपर्क किया है, हमने जो जो भी काम करवाए हैं उन लोगों के बीच में रखी है बात, और आगे फिर हम क्या करेंगे, कैसे मुफ्त राशन अगले 5 साल मिलेगा, कैसे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, कैसे गरीब को और ताकत देने का काम सरकारी योजनाओं के माध्यम से होगा, महिला शक्ति कैसे मजबूत होगी, तो ये सारा जो दृष्टिकोण है 3 करोड़ लखपति दीदी से लेकर के और युवाओं के लिए जिस तरीके से भी कानून बना, एक पेपर लीक का बहुत बड़ा अपराध कुछ सरकारें कुछ राजनीतिक लोग दूसरे लोग मिलकर के करते हैं, आज उसके खिलाफ एक कानून बना करके केंद्र की सरकार ने बड़ी राहत देने का काम नौजवानों को किया है ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कांग्रेस प्रत्याशी आज प्रचार शुरू कर रही है, शिक्षा पहुंची है, महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है बीजेपी से। महंगाई कंट्रोल में है और बेरोजगारी, बेरोजगारों को तो हाँ, जो राजनीतिक बेरोजगार है वो तो उनकी तो बेरोजगारी और बढ़ने वाली है, बाकी सबकी बेरोजगारी दूर होगी जब ये पेपर लीक जैसे कानून आ गए, आने वाले समय में उद्योग धंधे और होंगे, देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी तो सबको फायदा मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए देश पूरी तरीके से तैयार है और मोदी जी का साथ देगा, ये हमें पूरा यकीन है। कंवर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बीजेपी में नहीं थे तब आप कह रहे थे कि हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में 1 नंबर पे है और देश जो है वो 150 की लिस्ट में 107वें नंबर पे है, ये वीडियो है तो इसके बारे में क्या कहना है? बीजेपी से पहले ये पहले की वीडियो होगी, हो सकता है उस समय इस तरह के डांटे हमारे सामने आए हो, अब हमारे को और साथियों ने आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया कि भाई देश ठीक चल रहा है, हम देश जो ठीक कर रहे हैं उसके साथ चल रहे हैं मजबूत, और ये आंकड़े जो है ये आंकड़ों का खेल तो जैसा जिसको सूट करता है वैसा करता है विपक्ष जो है, आज मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करना बंद करे, देश ठीक डायरेक्शन में, विपक्ष का नहीं सर, ये तो आपका ही था, विपक्ष तो उससे पहले का है भाई, विपक्ष का है। बात नहीं डाली गई, असल में हमारा जो एरिया है
आपने हमारा देश एक ही क्षेत्र आपका मिला है। सबसे डिफिकल्ट और टिपिकल क्षेत्र है ये, धोती वहाँ से हम चलते हैं और लोकल तेल तेल से होते हुए जाते हैं हम गर्म शाम चले जाते हैं। नरेगा इसमें है ना, इरिगेशन इसमें है ना, काटा इसमें है, वो सारे मेरे हैं खाड़े और वो कल काम शुरू कर रहा हूँ मैं। हेल्प फाइनेंस स्कीम में आएगी, सब किसानों को मैंने डोनेट किया हूँ खाड़े, किसी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई योगदान नहीं है उसमें, कोई सीओ कार्रवाई नहीं कर सकते, ये किसान खुद कर रहे हैं। तब बताएं पूर्णिया जी कैसा लगा आपको? सीओ फिर गए तो बंद गए फिर इसका, उनको सूचना नहीं थी जो काम रोकना चाहते थे, उनको सूचना नहीं थी कि काम रोकना चाहते। और अब बरासरी गाँव में हम पहले से डबल वोटों से जीतेंगे, ये मेरा सेल्फ फाइनेंस था, बोल देना उनको।
आगे भी सेल्फ मैनेज्ड है। अभी ग्राउंड पे किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, डेफिनेटली हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो 24 साल पहले यहाँ से गुम हो गया था, चार बार पिता रहे, दो बार खुद रहे, इतने ही अच्छे होते तो सिरसा छोड़ के उनको अंबाला में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिनका सिरसा में 30 साल राज करने के बाद ये दो कमरे का मकान नहीं बना पाए थे, जो सिरसा लोकसभा के 21 गांव के नाम नहीं जानते, मैं कोट कर रहा हूँ, आप पूछ रहा हूँ, उसे जानते हैं क्या? जिनको ये नहीं पता कि खेड़ी की जनसंख्या कितनी है, जिनको ये नहीं पता खेड़ी की लिफ्ट की प्रॉब्लम क्या है, कैसे स्पेशल दो गज जमीन नहीं है उनकी, ऐसा नहीं होता। 24 साल बाद कोई आके एकदम से आपका भला कर पाएगा? हालांकि अशोक तंवर जी, मैं तो पॉलिटिकली अभी एक्टिव हूँ, मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था, तंवर जी भाई चाप उसी पार्टी में जिसमें मैं हूँ, लेकिन मैंने तंवर जी के वोट देखे हैं, मिठनपुरा में देखे हैं, किशनपुरा में देखे हैं, मैंने करमशाणा में देखे हैं, लेकिन मैंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मैंने उनका वोट देखा नहीं। आप सब में से किसने किसने देखा है?